अहंकार तो तोड़ूंगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़े बड़े चिट्ठे हैं। मैं बोलूं तो इलेक्शन राज्य वर्सेज विधायक है जी। दो चुनाव आपने जीते, दो आपके पिताजी ने जीते, और पूरे चुनाव के जो रणनीतिकार होते थे वो अब दूसरी पार्टी में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सारे लूप होल पता है और भाजपा 25,000 के अंतर से जीतने जा रही है, ऐसा है? सारे 25,000 नहीं आंदे। विधायक जी अपने वार्ड से बीजेपी को कितनी वोट दिला पाएंगे? जी तो सारा परिवार के जुट रहा है मेरे पक्ष है। जींद में तो एक तरफा बीजेपी है जी साहब, बता रहे हैं अभी कोई पंजाबी कम्युनिटी में नहीं। जींद की जनता मिड्डा परिवार से बहुत प्यार करती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों नमस्कार, अभी हम जींद शहर में जो भारत सिनेमा रोड है, लड़कियों का जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर खड़े हैं। वार्ड नंबर 9 है। जींद के जो भाजपा विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, उनका ये वार्ड है और उनका जो वोट है वो भी इसी बूथ पर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी गहमा गहमी है, पूरी चहल पहल है। विधायक जी भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल जी, वोट डाल दिया। यहाँ पूरी चहल पहल है और आपका वार्ड है, क्या उम्मीद है आपके वार्ड? मेरा वार्ड होने की वजह से चहल पहल है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं आपके वार्ड पर लगी हुई हैं कि विधायक जी अपने वार्ड से बीजेपी को कितनी वोट दिला पाएंगे? ऐसा है जी, माता रानी कृपा से अपना बूथ भी जीतूंगा और वार्ड भी जीतूंगा। अच्छा, बाकी तो ऊपर वाला जानता है और जींद के लोग जानते हैं। और अपने कैंडिडेट को 25,000 वोटों से जिताने का लगभग आंकड़ा है, यानी कि बीजेपी की जीत आप सुनिश्चित मान रहे हैं? जींद में तो एक तरफा बीजेपी है जी। माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को लोग मान रहे हैं, उनके किए हुए कामों को मान रहे हैं। बहुत से लोग कमियां निकाल रहे हैं, कमी तो उनके अपने घरों में भी बहुत है। मकान बनाते तो कमियां रह जाती हैं, लेकिन हम उन कमियों को भी सुधार रहे हैं जी। और पहले से बेहतर जींद बना रहे हैं। दो चुनाव आपने जीते, दो आपके पिताजी ने जीते, और पूरे चुनाव के जो रणनीतिकार होते थे वो अब दूसरी पार्टी में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सारे लूप होल पता है और पंजाबी बहुल वार्डों पर हम जीत कर जा रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। चलो देखिए जी, रणनीति का तो मैं किसी का क्या कह सकता हूँ। सबकी पोल खुल जाएगी जी, सबकी पोल खुल जाएगी, उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे तो इंदर भी हार गए थे, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। रणनीतिकार, बड़े बड़े रणनीतिकार हारे हैं जी, उनका कुछ नहीं कह सकते। क्या, क्या ये तो फैसला जनता करती है। पिछले चुनावों से ये चुनाव कुछ मुश्किल मुझे, है। मुझे सिर्फ इतना पता है, जींद की जनता मिड्डा परिवार से बहुत प्यार करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे हम इनेलो में थे, चाहे हम भाजपा में, जींद की जनता मिड्डा परिवार से बहुत प्यार करती है, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं। और जींद के ये कह सकते हो, जींद की पब्लिक अपने आप को मिड्डा परिवार का हिस्सा मानती है। लोगों को इस बारे में पता लग जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। हमने सुबह एक रिपोर्ट दिखाई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हांसी में, गोहाना में, कैथल में वर्चुअल जनसभाएं की हैं। जींद में वो ना जनसभा हुई, ना संगठन मंत्री आपके यहाँ पर आए। जींद में माननीय मनोहर लाल जी मेरे में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बस यही कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ कोई जनसभा नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उनके कहने का मतलब ये है कि मिड्डा को ही आप मनोहर लाल जींद में माने जी, इससे बड़ी कोई बात। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मैं से मिड्डा, मैं से मनोहर लाल जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जींद का जो पंजाबी वोटर है, जो एक जगह पिछले 4 चुनाव से एक जगह डलता रहा था, वो कहीं ना कहीं दो फाट नजर होता जा रहा है। ये होता है जी, ये अकेला कोई पंजाबी कम्युनिटी में नहीं, किसी भी कम्युनिटी के दो लोग खड़े होते तो वोट तो जाता ही जाता है जी। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का अपना सोचने का तरीका है, लेकिन मेरा मानना है परसेंटेज वोट मुझे ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा मिल रहा है। ये थे हमारे साथ जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी। हम उनके वार्ड 9 में हैं, यहाँ पर जो भारत सिनेमा रोड पर सरकारी स्कूल है उनमें इन्होंने वोट डाला है। इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 25,000 वोटों से जीत रही है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मेरे इलेक्शन में भी नहीं आए थे, उनको पता था मिड्डा अपने आप में बहुत सक्षम है जी। थैंक यू। और ये इनका जो आत्मविश्वास है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बात है। और आगे 22 जब जून को दोपहर तक चुनाव नतीजे आप सबके सामने आ जाएंगे, चुनाव की हर एक अपडेट हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। मेरे साथ यहाँ वार्ड के कुछ मौजूद लोग हैं। बहुत नमस्ते, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। कैसा माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, सही। लोगों ने इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि जातिवाद की बातें होती रही, जो शहर की समस्याएं हैं वो समस्याओं पर, शहर के मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जाति मुद्दे का नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है जी, कोई जात पात पे नहीं चल रहा। हाँ, भाईचारा बना हुआ है, बरकरार है। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। जाति पाति का जो भेद है, लोकतंत्र का उत्सव है, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार में हर एक आदमी को
अपनी आहुति डालनी चाहिए मेरे साथ यहाँ। बहुत जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं यशपाल गाबा। यशपाल गाबा जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी हाँ। तो आज क्या माहौल है चुनाव में? बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से जी, जिनका जो अरेंजमेंट है इसके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। अच्छे शांतिपूर्वक माहौल में सारे वार्डों में इलेक्शन हो रहा है। इस बार जो चुनाव में हर एक आदमी था वो जाति पाति पर बटा हुआ था, क्या लग रहा है उससे भाईचारा बरकरार रह पाएगा? ये रूमर होता है जाति पाति। अब कोई बिजनेसमैन कोई एक, ये तो है नहीं कि कल एक कम्युनिटी में बिजनेस कर लेगा। जाति पाति ये रूमर है, कहने वालों को कहना नहीं चाहिए। इलेक्शन है, भारत लोकतंत्र है, हर कोई वोट अपने मर्जी से डालता है। जी जी। और ऐसा ही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गाबा जी हमारे साथ हैं और कटारिया जी भी हैं, या इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल है। कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा चुनावी माहौल है? बहुत बढ़िया सर। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया सर। वार्ड नंबर 9 पर है और कटारिया जी तो छतरी लगाए हुए हैं, तो किस तरह का आप ये बताइए, आपने जो चुनाव में देखा, चुनाव में मुद्दों की बातें बहुत कम हुई। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या मुद्दे तो सर चलते रहते हैं सबके साथ हैं, क्योंकि कोई ना कोई जब सामने वाला खड़ा होता है तो मुद्दे वो अपने मुद्दे वो रखता ही है कि सामने वाले को दिखाने के लिए जी, कि मैं ये कर दूंगा। जी जी, ये बात है सर। ओके, चुनाव में इन्होंने कहा कि मुद्दों की बातें चलती रहती हैं, और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमारे साथ यहाँ, जो पूरी भाजपा बीजेपी की टीम है वो भी हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ कुछ और साथी हैं, हम इनके साथ भी चर्चा करेंगे। और ये बाबू जी हमारे, और ये जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो राजू लखीना, इनकी पुत्रवधू चुनाव में खड़ी हुई हैं, और राजू लखीना जी से भी हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। वोट डाल दिया आपने? जी सर। कौन से वार्ड में आपका वोट? 16 वार्ड में जी। चुनाव कैसा लग रहा है आपको? बहुत लाजवाब। लोगों का समर्थन मिल रहा है? जो हमारा भाई नुगा बेरा की में क्या है, बेरा पट नहीं रहा, क्यों लग रहा है? जी साहब बता रहे हैं अभी जी, अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ पर विधायक जी भी थे, उनसे भी हमने बात की है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि भाजपा 25,000 के अंतर से जीतने जा रही है, ऐसा है? सारे 25,000 नहीं आंदे। अच्छा। और बोल, ये विश्वास जमा ठोक के ये अहंकार तो तोड़ूंगा। अच्छा। आपने पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में बताया था कि पंजाबी उनकी बस में सवार होने को तैयार हैं, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि सारी बातें इस तरह खोखली हैं। खोखली रिजल्ट बता देगा 22 तारीख को। अगर खोखली ना होती तो सारा परिवार के जुट रहा है मेरे पक्ष है। वेरी गुड। आपने 2 दिन पहले ये कहा, अकेला हूँ जी, मेरे साथ छत्ती बरादरी है जी, जी। इलेक्शन राजसैनी लड़ रहा है, ना कि विधायक लड़ रहा है। राजसैनी ने अपनी फोटो हटवा के विधायक की लगवा दी जी। ये इलेक्शन राजू वर्षीय विधायक है जी। और 25,000 आन कौन दे, मार्जिन तो बहुत दूर की बात है। आपने 2 दिन पहले एक आरोप लगाया था कि विधायक की तरफ से आपके लोगों को, आपके समर्थकों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, रेड की, ऐसी कुछ फोन आए हैं लोगों को? बिल्कुल आए हैं जी। कोई एक जना तो श्रीनगर चला गया हमारा व्यापारी नेता, एक भिवानी जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। एक हमारे व्यापारी नेता ने 5 करोड़ की फाइल का हिसाब मांगा है। एक माता जी ने 4 दिन पहले हिसाब मांगा कि मेरे से पैसे लिए इनके भाई ने, और नौकरी लगवाई नहीं, पैसे भी उल्टे नहीं दिए। लोग ही बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मैंने तो बोलने जरूरत नहीं है। और मेरे पे तो बहुत बड़े बड़े चिट्ठे हैं, मैं बोलूँ तो किताबें पट जाएंगी। क्या बोल रहे हैं, इससे डरकर पीछे हटेगा या और ज्यादा मजबूती से लगेगा आपके साथ? मेरे साथ मजबूती से लगेगा। और मैं सारे वोटरों को भाइयों कहता देता हूँ, छाती पाड़ के देखना, तारी फोटो दिखेगी, तारे साथ रहूंगा हमेशा। निर्णय कुछ भी हो, मैं अपने भाईचारे के साथ, छत्ती बरादरी के साथ हर समय साथ रहूंगा जी। और ये थे हमारे साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, निशा लखीना, उनके ससुर राजू लखीना जी। इन्होंने कहा है कि जो विधायक जी कह रहे हैं उनकी पोल पट्टी सारी खोलेंगे, और पूरा जो बिरादरी का, 36 बिरादरी का समर्थन इनके साथ है। आप यहाँ पर जो पूरे शहर की नज़रें हैं इस वार्ड पर लगी हुई हैं, वार्ड नंबर 9 है, यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उनका वार्ड है, उनका बूथ भी यहीं पर है, यहीं पर उन्होंने वोट डाली है। अब जनता ये देखने जा रही है 22 तारीख को दोपहर को, सबकी नज़रें कि वार्ड 9 से बीजेपी के प्रत्याशियों को कितनी वोट मिलती हैं, और जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है उसको कितनी वोट मिलती हैं। जींद शहर में 1,20,000 कुछ वोट हैं, 13 प्रत्याशी चेयरमैन पद की दौड़ में हैं, 123 प्रत्याशी हैं वो पार्षद की दौड़ में हैं, और कुल 125 बूथ बनाए गए हैं। सुबह के 11 बजे तक लगभग 20% वोटिंग हो चुकी थी। आज मौसम ठंडा है, धूप कम है, तो उम्मीद है कि शाम को 6 बजे तक पोलिंग होगी। इससे पहले के जो चुनाव थे उसमें 8 से 5 बजे तक पोलिंग होती थी, इस बार पोलिंग का समय बढ़ा दिया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग होगी। 3 से 6 बजे तक पोलिंग ज़्यादा रहेगी, और उस समय इस बार लग रहा है कि जो पोलिंग का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। और लोकतंत्र के उत्सव में सभी लोग भागीदारी करें, इस हवन में सभी लोग आहुति डालें, लोकतंत्र
लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा आज दिन है। उम्मीद है कि जींद की जनता मुद्दों के साथ अपना अच्छा चेयरमैन चुनेगी, ताकि इस जींद के शहर पर, इस जींद शहर पर जो गांव का एक ठप्पा लगा हुआ है कि एक बड़ा गांव है, ताकि वो ठप्पा हट सके और इस जींद शहर का विकास हो सके। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। पड़ताल टीवी यूट्यूब चैनल, जींद न्यूज़ फास्ट फेसबुक पेज, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, धन्यवाद।